<laughs> अरे भगत जी इतली इतना कष्ट साइको श्री रोला

हाँ ये प्रसाद जी पूरा जीवन राधा वल्लभ जी की सेवा में और बिहारी की सेवा जब पंखा लेके सरकार की रात बिहारी की सेवा नहीं। नहीं। पूरा जीवन हो गया परम पवित्र जीवन राधा वल्लभ जी की अधीन रह के श्री जी की सेवा में तो। मैं बहुत आनंद प्राप्त हुआ आप दर्शन दिए आकर के बहुत अच्छा लगा कि आपकी याद में अभी हम हैं संतन <laughs> की तो है कहीं भी देखे संतन की लीला इन्होंने बताए मैं ने भरत वाज मुनि के, के चेका। मुनिया चेका। मुनिया चेका। आश्रम में उसने संपत च कही भरत मुनि आज मुनि आए इसके लिए आश्रम ने पिंजरा राखे भा भेंचा और स्वामी जी को कंदमूल फल दिए और भरत जी को ऐसे किए तो ऐसे महात्मन के कौन वर्णन कर सके और वही आपकी लीला है हितजू महाराज कृपा करें तो एक पातकी भी महापुरुष हो जाए कैसे पापी क्यों हो हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीज के महल खवासी है। तो ये महिमा हरिवंश चंद्र जू की है हरिवंश प्रताप ही जानत है हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है हरिवंश सु सर्वस्व है जिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके बस जैसे भी है हम हरिवंश चंद्र जू के उन्हीं के कृपा कटाक्ष से है आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम मांगो मन मनसि दास अपनी कर पूरन काम सदा दयम सेवक गुण नाम आस कर वरणय अब निज दास कृपा करणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम लोहे की ताकत नहीं थी सोना बन जाता पर पारस मणि का चमत्कार छू गया तो सोना बन गया तो, तो महाराज जी पारस जो है तो को सोना करती है। जी जी पर पारस पारस नहीं बना सकती। जी। और संत जो है पारस से बहुत आगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो संतन को संत बना लेते हैं। बिल्कुल कैसे आदमी है उसे संत बना लेते हैं तो महात्मा तो पारस का उदाहरण नहीं आ रहा जी सेवक जी महाराज ने कहा आलय बन बसत संग बोले आलय जो है वृंदावन जो है ये वो पारस है जो अपने स्पर्श मात्र से प्रिया प्रीतम के सेवा सुख को प्रदान करता है तो बोले आलय बन बसत आलय माने वृंदावन आलय बन बसत जो वृंदावन में बस रहे हैं तो वृंदावन की रज की वृंदावन की कृपा क्या करेगी बोले जैसे लोहा कभी श्रृंगार बनकर श्री जी के मुकुट में या कंठाद में नहीं हो सकता पर जब पारस छू जाए लोहे को तो सोना बन करके वो श्रीजी के आभूषणों में जा तो बोले वो जीव जो लोहे की तरह पड़ा जंग था वो जब वृंदावन ने कृपा की हरिवंश चंद्र ने कृपा की तो श्री जी की सेवा में पहुंच गया भाव श्री जी की सेवा। तो देखो आलयसत पारस के आयस कनक समान भयम मांगो मन मन दास अपनी करी पूरन काम सदा सेवक जी का यहां तात्पर्य था कि जैसे जंगहा लोहा किसी काम का नहीं लेकिन पारस के स्पर्श से वो स्वर्ण बनकर मुकुट में छा जा जाता है ऐसे वो जीव किसी काम का नहीं जो विषयी पामर जीव आचार्य कृपा वृंदावन की कृपा सेवा का अधिकार ऐसे है, पारस हैं कि लोहा जैसे जीव को भी जी की सेवा में श्रृंगार में भेज दे ऐसा भाव वहां था जो सेवक जी ने कहा बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भय यहाँ की महिमा तो कोई वर्णन करने है। जी है क्या जग मगे वृंदा विपिन अनुप जी नए न दिखे नहीं ये माया को रूप जी जी तो हम देख नहीं पाते हैं और वृंदावन वही है जी 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 जब श्री जी कृपा करते हैं तब वृंदावन देखता है आपने वहां मदन की लतान के नीचे जब रज में रहे हैं वो हो आनंद आहा क्या आनंद था जी जी हाँ अब तो श्री जी ने नहीं कही तो सके कि ऐसे ये पड़े रहे तो आपको पे उठा जी, जी। अब उस ऐसा शरीर की स्थिति थी कि पड़े भी नहीं रहे दोनों किडनी फेल है और तेरे दिन डायलिसिस होता है ढेर सारी जहां मांग मांग के खाते थे अगर ये व्यवस्था ना करती तो सड़ जाता शरीर वो जय, जो कुछ करती है वो करती है वो माना बस... हाँ। वहां बोर्ड मलिक है ना जी क्या वृंदावन 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 कहरे वृंदावन रज की वा आये बेग शरण कहरे भटके जिन देश देश भेष क्यों लगावे कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों नगावे भलो बनो दाओ तो आयु जिन बितावे तनक में तन छूट जाए फिर पीछे पछतावे चतुर तो ही जानी हो जब चेती हो सबेरो क्यों नहीं कर ले तू अपनो निभरो राख मन भरोसो कोई पोसीए सी कोई पो सी राधे किशोरी हित चरण शरण मिटिहै भव भार पोषण करना उनका काम उनका जो कुछ करे शरणागत मन के है जैसे चाहे तैसे तो रखे बिल्कुल बिल्कुल धन <laughs> धावन न कोई फिकर नहीं है और दुख क्या है दुख तो बाबा कहते दादा हमारे कहते स्नेह के मार्ग में संबंध अनेक निभेंगे नहीं नहीं लोभ सुख को उनको रस सिंधु मिलेंगे नहीं रज भाजन दाम छदाम कजो तो बिना ठोंक बजाए करेंगे नहीं तो फिर संगम पीतम के सस्ती सु कुछ महंगी नहीं जी 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 तो ये मिट्टी का बर्तन लेते हैं वो मटन को मारते हैं तो जब दुख मिले ना तो ये आनंद आता है कि मानो हम के। मार के कोरा मार के हम ले लेंगे बिल्कुल हाँ फाफा बोल गए तो धरती सड़क बिल्कुल। अच्छा महाराज जी आपको तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए कृपा की बात बहुत कृपा की हमें बहुत सुख हुआ कि बीसों वर्ष पुराने आप आकर के हमें दर्शन दिए हमें बहुत सुख मिला बहुत सुख मिला सबसे बड़ी बात कि अभी आपके हृदय में हमारी याद है कह महाराज जी हम भूलेंगे इस अदम की याद है आपके हृदय में बस वही हमेशा याद कर ले जी, जी। कोई बात नहीं अच्छा चलो यार सब मिल करके तो सेवा करते रहो बच्चा जिसको हाँ जिसको जब अवसर मिले बस इनकी दुलार करते हुए इनको पूर्वक शरीर छूट जाए यही बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी बहुत बड़ी राधा लक्ष्य हरिण राधा लक्षी हरिम राधा राधा मुनि रघुवीर परस्पर पर